परमहंस परमहंस किसान यूनियन। किसानों ने फूंका परमहंस दास का पुतला। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के मंडी धनौरा क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर माफी की हैं, जहां किसानों ने परमहंस दास का पुतला फूंककर विरोध जताया। किसान आंदोलन को खालिस्तानी बताए जाने पर भड़क उठे। गांव में परमहंस का पुतला फूंककर बयान पर विरोध जताया। कृषि कानून को लेकर चल रहे आंदोलन में रसूलपुर माफी व धनौरा क्षेत्र के भी किसान मौजूद है। एक बयान में महंत परमहंस द्वारा किसान आंदोलन को खालिस्तानी बताया गया था। इस पर रसूलपुर माफी के किसान भड़क उठे। रसूलपुर माफी के किसानों ने बयान को लेकर महंत परमहंस का पुतला फूंकते हुए विरोध जताया। किसानों का कहना है कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सरकार से अपने हक की आवाज उठा रहा है, कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहा है, जिस पर इस तरह का बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली आंदोलन में डटे रसूलपुर माफी के किसान गुरमीत सिंह ने कहा कि महंत परमहंस दास को किसान आतंकवादी लगते हैं, तो परमहंस दास भी हमें बीजेपी के एजेंट लगते हैं। किसानों पर इस तरह के बयान देना बिल्कुल गलत है। साथ ही कहा कि किसान जिस तरह डटा हुआ है परम दास के बयानों से पीछे नहीं हटेगा। आइए पहले दिखाते हैं आपको पर परमहंस दास का वो बयान। में जमावड़ा हुआ है, ये किसान नहीं है, ये चाइना और पाकिस्तान और आतंकवादियों के इशारे पर देश को तोड़ने की साजिश करने वाले ये खालिस्तानी समर्थक हैं। भारत कृषि प्रधान देश है और अन्नदाता जो है, अगर देश में लोग जीवित हैं तो अन्नदाता की वजह से है, क्योंकि चाहे कोई कितना भी, चाहे हीरे का व्यापारी हो जाए, सोने चांदी का व्यापारी हो जाए, लेकिन अगर अन्न नहीं मिलेगा तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। तो अन्नदाता का सम्मान होना चाहिए, अन्नदाता की समस्या का समाधान होना चाहिए। जो दिल्ली में जमावड़ा हुआ है ये किसान नहीं है, ये चाइना और पाकिस्तान और आतंकवादियों के इशारे पर देश को तोड़ने की साजिश करने वाले ये खालिस्तानी समर्थक हैं। महंत परमहंस जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम किसान तुम्हें आतंकवादी लगते हो हैं, तो आप भी तो हमें बीजेपी के एजेंट लगते हो। आप जैसे ना जाने कितने हिंदू समाज के रक्षक बनते हैं, लेकिन किसान की गेहूं की वजह से आपके भंडारे चलते हैं। आप ये भी ध्यान रखना, हम आतंकवादी हैं, ये हमारी खेतों वाली फर्द निकाल के देख लो। और एक बात कि आप हमसे हो, हम आपसे नहीं है। हम आपके यहाँ कुछ लेने नहीं जाते, आप झोली लेकर हमारे घर आते हो। मैं आपको हिंदी में एक बात समझाना चाहता हूँ कि किसान जिस तरह आड़ा पड़ा है, डटा पड़ा है, आप जैसों के बयानों से नहीं हटेगा। रही आतंकवादी की बात, आप जैसे ना जाने कितने आके कह गए और चले गए यहाँ से, आप भी पूरे जोर लगा देना। किसान किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है, इस आंदोलन को आगे लेके जाएगा और आर पार की लड़ाई रखेगा। ये किसान की बहुत बड़ी मान सम्मान की भी लड़ाई हो चुकी है, हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद।